बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री ने संत तुकाराम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद धीरेन्द्र कृषि शास्त्री ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री का विवादों से गहरा नाता होता जा रहा है। पहले उनके चमत्कारों की वजह से वे सुर्खियों में थे और अब उनके बयानों को लेकर वे सुर्खियों में है। धीरेन्द्र कृषि शास्त्री ने संत तुकाराम को लेकर कहा था कि उनकी पत्नी रोज उन पर अत्याचार करती थी, उन्हें डंडों से पीटती थी। इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर बवाल होने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि संत तुकाराम एक महान संत थे और हमारे आदर्श हैं। संत तुकाराम को लेकर हमने एक किताब में पढ़ा था कि उनकी पत्नी उन्हें गन्ना लेने भेजती थी और फिर एक गन्ने से उनकी पिटाई के चलते दो टुकड़े हो जाते थे, तो इसे मैंने अपने भाव से समझाया था। मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।